पंजाबीस्तान यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बोलगा से गंगा की जो सीरीज हमने शुरू की है, आज हम उसमें छठी कहानी अंगीरा प्रस्तुत करते हैं। कहानी का नाम है अंगीरा। स्थान गंधार, तक्षशिला, जाति हिंदी आर्य, काल 1800 ईसा पूर्व यानी BC। दोस्तों, इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी में आपको आर्यों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का अंक नंबर 1, अंक 1। बेकार है यह कारपास वस्त्र यानी कपास वस्त्र, इससे न जाड़ा रुकता है न वर्षा से बचाव। अपने भीगे कंचू को हटा कंबल ओढ़ते हुए तरुण ने कहा, किंतु गर्मी की ऋतु में यह अच्छा होता है। दूसरे तरुण ने भी कंचू को किबाड़ पर पसारते हुए कहा। शाम होने में अभी काफ़ी देर थी, किंतु आवसत पांतशाला में आग के किनारे अभी से लोग डटे हुए थे। दोनों तरुण धुएं में बैठने की जगह गवाक्ष के पास हवा के ख्याल से कंबल ओढ़कर बैठ गए। पहला तरुण, हम अभी एक योजन जा सकते थे और कल सवेरे ही गंधार नगर में यानी तक्षशिला पहुंच जाते, किंतु इस पानी और हवा को क्या किया जाए। दूसरा, जाड़ों की यह बदली और बुरी लगती है, किंतु जब नहीं होती तो हमारे किसान इंद्र से पानी बरसाने के लिए प्रार्थना पर प्रार्थना करते हैं और पशुपाल अधिक क्रंदन करते हैं। पहला सो तो है मित्र, सिर्फ पांत ही हैं जो इसे नहीं पसंद करते, और कोई सदा पांत भी तो नहीं रहता। फिर गर्दन के पीछे के घाव के बड़े दाग को देखकर कहा, तेरा नाम मित्र पाल मदर और तेरा ब्रूण सोबर, तो तू पूर्व से आता है? हाँ, मदरों में से, और तू दक्षिण से? बतला मित्र, दक्षिण में सुनते हैं असुर अब भी आर्यों से लड़ रहे हैं। सिर्फ समुद्र तट पर उनका एक नगर बच रहा था। जानता है ना मित्र, हमारे मद व इंद्र ने किस तरह असुरों के 100 नगर दुर्गों को तोड़ा था। सुना है असुरों के नगर दुर्ग लोह यानी तांबा के थे। असुरों के पास लोह यानी तांबा ज़्यादा है, किंतु नगर दुर्ग बनाने भर के लिए नहीं है। मैं नहीं समझता यह कथा कैसे फैली। असुरों के मकान ईंटों आग में पकाए के चकोर किंतु अधिक लंबी ईंटों के होते हैं। उनके नगरों को जिस दीवारों से घेरा गया रहता है वह भी ईंट की होती हैं। यह ईंटें लोह यानी लाल वर्ण की होती हैं, किंतु लोह यानी तांबा धातु और ईंटों में इतना अंतर है कि इसे ईंटों को लोह नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम तो ब्रूण असुरों के लोह दुर्ग को ही सुनते आए हैं। शायद हमारे इंद्र को इन दुर्गों के तोड़ने में जितनी शक्ति लगानी पड़ी उसी के कारण यह नाम पड़ा हो। और शंबर के पराक्रम की तो बड़ी बड़ी कथाएँ सुनी जाती हैं। उसका समुंदर में घर था, उसका रथ आकाश में चलता था। रथ की बात बिल्कुल गलत है। असुर यदि किसी युद्ध विद्या में सबसे कमज़ोर हैं तो वह है अश्वारोहण। आज भी उत्सव के समय असुर अश्वरथ की जगह वृषभ रथ जोड़ते हैं। मैं तो समझता हूँ पाल, हमारे यह अश्वी थे जिनके कारण हम विजयी हुए, नहीं तो असुरपुरों को जीत नहीं सकते थे। संबर को मरे 200 साल हो गए, किंतु मुझे विश्वास है उसके पास अश्वरथ भी ना रहा होगा। काश में चलने की तो बात ही अलग है। तो संबर यदि इतना साधारण शत्रु था तो उसको जीतने से हमारे इंद्र की इतनी महिमा क्यों हुई? क्योंकि शंबर बहुत वीर था। उसके स्वर्ण खचित लोह कजब को मैंने सोबीरपुर में देखा है। वह बहुत ही दृढ़ और विशाल है। असुर आमतौर से कद में छोटे होते हैं, किंतु शंबर बहुत बड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा, शायद कुछ अधिक मोटा, और हमारा मदवा इंद्र पतला चरहरा जवान। सिंधु के तट पर अब भी असुरों के पूर दुर्ग देखने को मिलते हैं। उनके भीतर रहकर कुछ 100 धनुर्धर हजारों शत्रु भटों को पास आने से रोक सकते हैं। वस्तुत यह असुरों की पुरियां अयोध्या थी, और ऐसी अयोध्या पुरियों को तोड़ने वाला हमारा मदवा इंद्र नहीं आर्य सेनानी महापराक्रमी था। दक्षिण में क्या अभी असुरों का बल मौजूद है? ब्रूण कहा, नहीं, सागर तीर का उनका अंतिम दुर्ग अभी हाल में टूटा है। इस युद्ध में मैं भी शामिल हुआ था, कहते हुए ब्रूण के अरुण मुख पर और अधिक लाली छिट गई और उसने अपने दीर्घ चमकीले पीले केशों को पीछे की ओर सहलाते हुए कहा, असुरों के अंतिम पुर दुर्ग का पतन हो गया है। तुम्हारा इंद्र कौन था?
इंद्र का पद हमने तोड़ दिया है। तोड़ दिया है, हाँ, क्योंकि इससे हम दक्षिणी आर्यों को डर लगने लगा। डर क्यों? इंद्र का अर्थ हम सेना नायक समझते हैं ना। हाँ, और सेना नायक को आर्य अपना सब कुछ नहीं मानते। युद्ध के समय उसकी आज्ञा को भले ही शिरोधार्य माने, किंतु आर्य अपनी जन परिषद को सर्वोपरि मानते हैं, जिसमें हर आर्य को अपने विचार खुल कर रखने का अधिकार होता है। हाँ यह है, किंतु इसके विरुद्ध असुरों का इंद्र या राजा सब कुछ अपने ही हैं, वह किसी जन परिषद को अपने ऊपर नहीं मानता। असुर राजा के मुंह से जो निकल गया वही हर एक असुर को करना होगा, नहीं तो उसके लिए मृत्यु है। ऐसे इंद्र को हम लोग कभी पसंद नहीं कर सकते, किंतु असुर ऐसे ही इंद्र को पसंद करते आते थे। अपने राजा को वह मनुष्य नहीं देवता मानते थे, और उसकी जिंदा पूजा के लिए वह जो करते रहे हैं उसको सुनकर मित्र तू विश्वास नहीं करेगा। हाँ, मैंने भी देखा है, असुर पुरोहित अपने लोगों को गधा बनाकर रखते हैं, हाँ, गधे से भी बढ़कर। सुना है ना, वह शीशन लिंग और उपदस्त को पूजते हैं। मैं मानता हूँ स्त्री पुरुष के आनंद की ये दो साधन हैं, इनके द्वारा हमारी संतान आगे चलती है, किंतु इनको साक्षत या मिट्टी पत्थर का बनाकर पूजना कितनी भारी मूर्खता है, इसमें क्या शक। और असुर राजा शीशन देव के भारी भगत थे, किंतु इसमें तो मुझे नीरी चलाकी मालूम होती है। आखिर असुर राजा और उनके पुरोहित मूर्ख नहीं होते, जब हम आर्यों से ज़्यादा चतुर होते हैं। आखिर असुर राजा और उनके पुरोहित मूर्ख नहीं होते, वह हम आर्यों से ज़्यादा चतुर होते हैं। उनके नगरों जैसा नगर बनाने के लिए हमें उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उनकी पण्य विधि यानी बाजार, उनके कमल शोभित सरोवर, उनकी उच्च अट्टालिकाएँ, उनके राजपथ, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शुद्ध आर्य भूमियों में नहीं पाया जा सकता। मैंने उत्तर सोबिर के असुर परित्यक्त नगरों को देखा है, और इस नव पराजित नगर को भी। हमारे उनके पुनारे नगरों पुराने नगरों को प्रति संस्कार करके भी उस रूप में कायम नहीं रख सके। और ये नया नगर जिसे कहते हैं संबर ने स्वयं बनाया था, तो देवपुर जैसा है। देवपुर और पृथ्वी पर उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। मित्र, एक परिवार के रहने लायक घर को ही ले लीजिए। इसमें सजे हुए एक या दो बैठक खाने, धूम नेत्रक, चिमनी के साथ अलग रसोईघर, आंगन में ईंट का कुआ, स्नान घर, शयनागार, कोष्ठागार, साधारण बनियों के घरों को मैंने दो दो तीन तीन तल के देखा है। क्या बखान करूं, असुर पूर्व की उपमा मैं सिर्फ देवपुर से ही दे सकता हूं। पूर्व में भी असुरों के नगर हैं, किंतु हम मदरों की सियालकोट वाली भूमि से बहुत आगे है। मैंने देखा है मित्र, और ऐसे नगरों के बनाने वाले हमसे बहुत अधिक चतुर थे, इसे हमें मानना पड़ेगा। सागर के बारे में तो नहीं सुना होगा, नाम सुना है, सिर्फ नाम सुनने या वर्णन करने से अंदाजा नहीं लग सकता। सागर के तट पर खड़े होकर देखने से ही कुछ पता लगता है। सामने ऊपर नील जल, नीचे सागर के तट पर खड़े होकर देखने से ही कुछ पता लगता है। सामने ऊपर नील जल नीले आकाश से मिला हुआ है। आकाश से मिला हुआ भ्रूण, हाँ, जितना ही आगे देखें जल ताड़ों ऊपर उठता चलता गया है और अंत में जाकर आकाश से मिल जाता है। दोनों का रंग भी एक सा होता है, हाँ, सागर जल अधिक नीला होता है, और इस अपार सागर में असुर अपनी विशाल नौकाओं को निर्वह होकर चलाते, वर्षों महीनों के रास्ते जाते और सागर से नाना प्रकार के रत्न लाते हैं। असुरों के साहस और चतुराई का यह भी एक नमूना है। यही नहीं, एक बात तो तूने सुनी भी न होगी मित्र, असुर बिना मुंह से बोले बातचीत कर सकते हैं। बिना बोले? क्या कहा मित्र? हाँ, बिना बोले। मिट्टी पत्थर चमड़े को दे दो, एक असुर उस पर कुछ लाइन खींच देगा और दूसरा उसकी बात समझ लेगा। जितना हम दो घंटा बात करके नहीं समझा सकते, उतना वह 5-10 लाइनों को खींचकर बतला सकते हैं। यह बात आर्यों को कभी भी मालूम नहीं थी। अब हमारे आर्य उन चिन्हों को सीख रहे हैं, किंतु बरसों लगाने पर भी उनका सीखना पूरा नहीं होता। तब जरूर असुर हमसे अधिक चतुर थे, और उनके लोहारों, दस्तकारों, कुंभकारों, रथकारों, बसकारों, कर्मकारों, तंतुकारों के हाथ की कारीगरी को तो हम सब देखते ही रहते हैं। फिर असुरों के अधिक चतुर होने में क्या शक हो सकता है? तूने कहा कि असुर वीर भी होते हैं, हाँ, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। आर्यों की तरह उनका हर एक बच्चा
दूध छोड़ते ही तलवार से नहीं खेलता। उनके यहाँ योद्धाओं की अलग श्रेणी है, शिल्पियों व्यापारियों की अलग और दासों की अलग। योद्धा श्रेणी को छोड़ दूसरी युद्ध विद्या नहीं सीखते। योद्धा श्रेणी को छोड़ दूसरे जो लोग हैं वह युद्ध कला सीखते ही नहीं हैं। उन्हें योद्धा बहुत नीची निगाह से देखते हैं और दास दासियों की अवस्था तो पशुओं से भी बदतर है। उन्हें खरीदते बेचते ही नहीं बल्कि वह उनके शरीर प्राण से निकालते भी हैं, यानी मनमाना बिहेव मनाना व्यवहार उनके शरीर के साथ वो लोग करते हैं। उनमें योद्धा कितने होंगे? 100 में से एक से भी कम, और दास दासी 100 में से 40, अर्धदास 100 में से 40, शिल्पी और किसान अर्धदास हैं और 100 में से 10 व्यापारी बाकी दूसरे। तभी तो असुर आर्यों से हार गए। हाँ, उनकी हार में एक प्रधान कारण था और एक बड़ा कारण था उनका राजा को सारे जन के ऊपर देवता मान लेना। इसे तो हम आर्य कवि नहीं मान सकते, इसलिए हमें इंद्र का पद तोड़ना पड़ा। मदबा के बाद के किसी इंद्र की बात है, उसने असुर राजा जैसा बनना चाहा था। असुर राजा जैसा आर्यजन के साथ मनमानी करना? हाँ, और वही एक नहीं उसके बाद दूसरे ने। फिर इस बात में कुछ आर्य भी उसकी सहायता करते पकड़े गए। सहायता करते कुल परिवार के ख्याल से, इसलिए सोवीर जन ने तय किया कि अब कोई इंद्र नहीं बनाया जाएगा। इंद्र अश्नि बिजली हस्त देवता का नाम भी है, जिससे लोगों में भ्रम फैलने का डर है। अच्छा किया सोवीर जन ने मित्र, लेकिन कितने ही आर्यों के नाम लजाने वाले पैदा हो गए हैं जो सुरों की हर बात की प्रशंसा करते नहीं थकते। उनकी कितनी ही प्रशंसनीय बातें हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। उन्हें हमें लेना चाहिए, उनके हथियारों को हमने अपनाया, उनके वृक्ष वृक्षों की देखा देखी हमारे मदवा इंद्र ने अश्वरथ बनाए। धनुधर के लिए घोड़े पर से अधिक सुविधा रथ में होता है, वहाँ वह जितना चाहे उतने तर्कश रख सकता है। शत्रु के तीरों से बचने के लिए आवरण भी रख सकता है। उनके कवच शक्ति गदा आदि से हमने बहुत सा सीखा। उनके नगरों से भी हम बहुत सी बातें ले रहे हैं। उनकी सागर यात्रा को भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि लोह यानी तांबा दूसरे धातु रत्न और बहुत सी चीज़ें सागर पार से आती हैं। अभी भी यह सारा व्यापार असुर व्यापारियों के हाथ में है। यदि हम उनसे स्वतंत्र होना चाहते हैं तो सागर नौ चालन सीखना होगा। किंतु असुरों की बहुत सी बातें हैं जिनको हमें घातक समझना चाहिए, जैसे शीशन पूजा। लेकिन शीशन पूजा को कौन आर्य पसंद करेगा? मत कह मित्र, कितने ही आर्य कह रहे हैं कि सुरों की भांति हमें भी अपने पुरोहित बनाने चाहिए। हमारे यहाँ योद्धा पुरोहित व्यापारी कृषक शिल्पी का भेद नहीं, सब सभी काम इच्छा अनुसार कर सकते हैं। किंतु सुरों ने अलग अलग श्रेणियाँ बना रखी हैं। आज आर्यों में पुरोहित बन जाने दो और देखेंगे कुछ ही वर्षों में शीशन पूजा भी शुरू हो जाएगी। असुर पुरोहित बहुत मकार होते हैं, लाभ लोभ के लिए आर्य पुरोहित भी वही करने लगेंगे, यह तो बुरा होगा। भ्रूण, पिछले 200 वर्षों के असुर संघर्ष से आर्यों में उनकी कितनी ही बुराइयां आने लगी हैं। उनको देखकर बूढ़े बूढ़े आर्य निराश हो रहे हैं। मैं निराश नहीं हूँ, मैं समझता हूँ यदि आर्य जन को अपनी पुरानी बातें ठीक से समझाई जाएं तो वह पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। गंधार नगर यानी तक्षशिला में अंगिरा नाम के सुना है एक आर्य ऋषि ज्ञानी हैं। वह आर्यों की पुरानी विद्या के भारी ज्ञाता हैं। वह आर्यों को आर्य मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए शिक्षा देते हैं। मैंने आर्यों की विजय के लिए तलवार चलाई है, अब चाहता हूँ आर्य तब की रक्षा के लिए भी कुछ करूँ। कैसा संयोग है, मैं भी ऋषि अंगिरा के पास ही जा रहा हूँ उनसे युद्ध विद्या सीखने। किंतु पाल, तूने पूर्व के आर्यजनों की बात नहीं बतलाई। पूर्व में आर्यजन वन की आग की तरह बढ़ रहे हैं। इस गंधार से आगे की भूमि को हम मदरों ने ले लिया है, उससे आगे मल्लों ने अपना जनपद जन की भूमि बनाया है। इसी तरह कुरु पंचाल आदि जनों से भी बड़े बड़े प्रदेश अपने हाथ में लिए हैं। तो वहाँ बहुत भारी संख्या में आर्य होंगे। बहुत भारी संख्या में नहीं, जितना ही आगे बढ़ते जाएं उतना ही असुरों और दूसरों की संख्या अधिक मिलती है। दूसरे कौन मित्र? असुर मंगर के चमड़े या तांबे जैसे वर्ण के होते हैं। पूर्व में एक और तरह के लोग हैं जिन्हें कोल कहते हैं, बिल्कुल कोयले जैसे काले होते हैं ये कोल गांव में ही रहते हैं और जंगल में मृगों की तरह भी। जंगली कोलों के कितने ही हथियार पत्थर के होते हैं। तो आर्यजनों को अन्यायों के साथ बहुत लड़ना पड़ता होगा, डटकर लड़ाई अब बहुत कम करनी होती है। आर्यों के घोड़ों को देखते ही अनार्य भाग खड़े होते हैं, किंतु यह रात
को हमारी बस्तियों पर छापा मारते हैं, जिसके लिए हमें अक्सर उनके साथ बहुत क्रूर बनना पड़ता है। इससे असुरों कोलों के गांव खाली हो गए हैं, वह पूर्व की ओर भागते जा रहे हैं। तो तेरे यहाँ पाल असुरों के चाल व्यवहार के पकड़ने का डर नहीं है? मद्र जन्म में नहीं, और शायद यही बात मल्लों की भी है, आगे की नहीं कहता। हमारे यहाँ वस्तुत अनारे जंगलों में रह गए हैं। दोनों मित्रों का वार्तालाप अंधेरा होने तक चलता रहा, और यदि आपसत रक्षिका ने आकर खान पान के बारे में न पूछा होता तो शायद अभी वह खत्म भी न होता। आपसत ग्राम की ओर से बनाया गया था, जिसमें सभी यात्रियों, इसे कहने की आवश्यकता नहीं कि पीत केशों के ठहरने का प्रबंध था, और जिनके पास खाना नहीं होता उन्हें आपसत की ओर से सत्तू गोमांस सूप मिलता। सामान या बदले की चीज दे देने पर आपसत रक्षिका भोजन बना देती। सोम और सुरा के लिए यह आपसत बहुत प्रसिद्ध था। वरुण और पाल ने आग में भुने गोमांस और सुरा से अपनी मित्रता को मजबूत किया। अंक 2। ऋषि अंगिरा सिंधु के पूर्व वाले गंधार जन के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी जनपद तक रह चुके थे। यद्यपि पुष्कलावती यानी 4 सदा से प्रथम पुष्क के बाद असुर लोग हटने लगे थे, अब और जब दूसरी पीढ़ी में कुनार तट से आकर गंधार जन की एक शाखा ने पश्चिमी गंधार को पराजित कर लिया, तो मरने से बचे हुए असुर बड़ी तेजी से पश्चिमी गंधार को खाली करने लगे। उससे 30 साल बाद ही सिंध के पूर्व की भूमि पर गंधार और मद्र जनों का हमला हुआ, और बीतस्ता यानी झेलम और सिंधु के बीच की भूमि को गंधारों तथा झेलम और इरावती यानी राबी के बीच बालों को मद्रों ने आपस में बांट लिया, जो पीछे कर्मश पूर्व गंधार और मद्र जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस आरंभिक देव असुर संग्राम में दोनों जातियों ने अमानुष क्रूरता दिखलाने में होड़ लगा रखी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि गंधार में बिल्कुल ही नहीं और मद्र में बहुत कम असुर बचे रहे। लेकिन समय बीतने के साथ आगे असुरों का विरोध कम पड़ने लगा, और पीत केशों ने भी अपनी युद्ध क्रूरता कम की। यही नहीं, बल्कि जैसा कि वरुण सोबीर ने कहा था, पीत केशों पर असुरों की बहुत सी बातें का प्रभाव पड़ने लगा। ऋषि अंगिरा बक्षु तट से चली आती आर्य परंपरा के बड़े बड़े पंडित ही नहीं थे, बल्कि वह चाहते थे कि आर्य अपने रक्त तथा दूसरे आचार व्यवहारों की शुद्धता को न छोड़े। इसलिए पूर्वी गंधार में अश्व मास भक्षण, जो एक प्रकार से छूट गया था, को उन्होंने अश्व पालन को उत्साहित कर फिर से स्थापित किया। उनके इस आर्य तब प्रेम, उनकी विद्या और युद्ध विद्या चातुरी की ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि दूरतम आर्य जनपदों से भी आर्य कुमार उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। किंतु उस वक्त किसी को क्या पता था कि आगे चलकर गंधारपुर में अंगिरा का रोपा यह विद्या अंकुर तक्षशिला के रूप में एक विराट वृक्ष बन जाएगा, जिसकी छाया और मधुर फल से लाभ उठाने के लिए सैकड़ों योजन दूर से चलकर आर्य विद्या प्रेमी आएंगे। ऋषि अंगिरा की आयु 35 साल की थी। उनके सफेद केश नाभि तक लटकती सफेद चमकती दाढ़ी उनके प्रशांत गंभीर चेहरे पर आकर्षक मालूम होते थे। ऋषि अंगिरा की आयु 65 साल की थी। उनके सफेद केश नाभि तक लटकती सफेद चमकती दाढ़ी उनके प्रशांत गंभीर चेहरे पर बहुत आकर्षक मालूम होते थे। अभी लेखनी स्याही और भुजपत्र इस्तेमाल करने में कई सदियों की जरूरत थी। उनका सारा अध्यापन मौखिक हुआ करता था, जिसमें पुराने गीतों और कविताओं को विद्यार्थी दुरा दुरा कर कंठस्थ करते थे। दूर के विद्यार्थी अपने साथ खाद्य सामग्री नहीं ला सकते थे, इसलिए ऋषि अंगिरा को विद्यार्थियों के भोजन वस्त्र का प्रबंध करना पड़ता था। अंगिरा ने अपने पैतृक खेतों के अतिरिक्त विद्यार्थियों की सहायता से जंगल काटकर नए खेत आबाद किए थे, जिनसे साल भर के खाने के लिए गेहूँ पैदा हो जाता था। अभी बाग बगीचों का रिवाज नहीं था, किंतु जंगल में जब फल पकने का समय आता तो अपनी शिष्य मंडली के साथ वह वहाँ फल जमा करने के लिए चले जाते। खेत जोतने, बोने काटने, फल फूल काष्ठ जमा करने के समय ऋषि और उनके विद्यार्थी बक्षु और सुबास्तु के तटों पर बने गीतों को बड़े राग से गाया करते।
सारे गंधार में सबसे बड़ा अशुभस्थ अशुभ पालन स्थान ऋषि अंगीरा का था। दूर दूर तक अपने शिष्यों और परिचितों से ढूंढवा कर उन्होंने उच्च कोटि के घोड़ियों को जमा कर उनके वंश की वृद्धि की थी। सैंधव सिंधु तटवर्ती घोड़ों का जो पीछे सर्वस्त भारी नाम हुआ उसका प्रारंभ ऋषि अंगीरा के अशुभ पालन स्थान से ही हुआ था। इनके अतिरिक्त ऋषि अंगीरा के पास हजारों गायें और भेड़ें थीं। उनके शिष्यों को विद्या धन के साथ साथ बराबर काम करना पड़ता था जिसमें ऋषि भी समय समय पर हाथ बनाते थे। ये जरूरी भी था क्योंकि इस प्रकार शिष्यों को खाने पहनने की कोई तकलीफ नहीं होती थी। तक्षशिला के पूर्व के सारे पहाड़ सुजल सुफल हरे भरे थे। ऋषि अंगीरा के साथ उस वक्त वरुण और पाल की टोली गोष्ठ की देखभाल कर रही थी। तंबुओं के बाहर कुछ दूर पर लाल उजले बछड़े फुदक रहे थे और ऋषि अपने शिष्यों के साथ बाहर हरी घास पर बैठे थे। ऋषि के बाएं हाथ में बारीक ऊन की पुनी थी और दाहिना हाथ काठ की बड़ी तकली को चला रहा था। शिष्यों में भी कोई तकली चला रहा था, कोई ऊन निक्या रहा था, कोई हाथों लंबी पुनी तैयार कर रहा था। आज ऋषि प्राचीन और नवीन आर्य और अनार्य रीति रिवाजों सुलभ व्यवसायों में कौन ग्राह्य है कौन त्याज्य है इस बात को समझा रहे थे। बस तो सभी नवीन त्याज्य है सभी प्राचीन ग्राह्य है यह कहना बिल्कुल गलत है और करना तो और भी असंभव है। बक्षु तट के आर्यों में जब पहले पहल पत्थर के हथियारों की जगह तांबे का हथियार प्रचलित होने लगा तो कितनों ने इस नवीन चीज का विरोध किया था। ऋषि के प्रिय शिष्य वरुण ने पूछा, पत्थर के हथियारों से कैसे काम चलता होगा? आज वत्स तांबे के हथियारों से काम चल रहा है, कल इससे भी तीक्ष्ण कोई हथियार निकल आएगा, फिर लोग सवाल करेंगे तांबे के हथियार से कैसे काम चलता होगा। जो हथियार जिस वक्त प्राप्य होता है आदमी उसी से काम चला लेता है। जब पाषाण के कुल्हाड़े से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तो दोनों पक्षों के भट्टों के पास पाषाण के ही कुल्हाड़े होते थे। जैसे ही एक पक्ष के पास तांबे का कुल्हाड़ा आया वैसे ही दूसरे पक्ष को भी पाषाण छोड़ तांबे का कुल्हाड़ा हाथ में लेना पड़ा। यदि वह ऐसा न करता तो संसार में जीने के लिए उसे स्थान न मिलता। इसलिए मैंने कहा सभी नवीन बातों को त्याज्य कहना गलत है। यदि मैं नवीन का विरोधी होता तो इतने सुंदर घोड़े इतनी सुंदर गायें न पैदा करा सकता। मैंने देखा अच्छे घोड़ों घोड़ियों के अच्छे बछेड़े होते हैं। मैंने कुछ अच्छे अच्छे घोड़े और घोड़ियों को चुना और आज 35 वर्ष बाद इस वक्त तुम अंगीरा के घोड़ों की इस नस्ल को देख रहे हो। असुर खेतों की खाद का अच्छा प्रबंध करते थे। वह पहाड़ी नदियों के से नहरें निकालकर सिंचाई करते थे। हमने गंधार में इन बातों को स्वीकार किया। उनके शहर बसाने के तरीके चिकित्सा के कितने ढंग बहुत अच्छे थे, हमने उन्हें ले लिया। आहार परिधान जीवन रक्षा के लिए उपयोगी कितनी भी चीज़ें मिले उन्हें स्वीकार करना चाहिए, इसका ख्याल किए बिना कि वह पुरानी है या नहीं, आर्यों से आई है या अनार्यों से। सुवास्तु में और उससे पहले आर्य कपास के वस्त्र का नाम भी नहीं जानते थे, किंतु यहाँ हम लोग उसे पहनते हैं, गर्मियों में वह सुखद होता है। लेकिन कितनी ही चीज़ें हैं जिनको हमें विश्ववत त्याज्य समझना चाहिए। असुरों का शीशन या लिंग पूजा धर्म हमारे लिए निंदनीय है। उनका जाति विभाग हमारे लिए त्याज्य है क्योंकि उसके कारण सभी आदमी अपने जन की रक्षा के लिए हथियार नहीं उठा सकते। आपस में ऊंच नीच का भाव बढ़ता है। असुरों के साथ रक्त मिश्रण नहीं करना चाहिए क्योंकि असुर बनने के लिए दरवाजा खोल देगा और फिर आर्यों में भी नाना शिल्पों नाना व्यवसायों की छोटी बड़ी जातियाँ बन जाएंगी। पाल रक्त सम्मिश्रण को सभी आर्य बहुत बुरा समझते हैं। ऋषि, हाँ किंतु इसके लिए उतना ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्या असुर अथवा कोल स्त्रियों के साथ आर्य समागम नहीं करते? वरुण, सीमांत पर करते हैं और असुर पुरों की वेश्याओं के पास तो हमारे भट्ट आम तौर से जाते हैं। ऋषि, इसका परिणाम क्या होगा? वर्ण संकरता बढ़ेगी, असुरों में भी पीतकेश बालक बालिकाएं पैदा होंगी जिन्हें भरम या धोखे में पकड़कर आर्य अपने भीतर ले लेंगे, फिर रक्त की शुद्धता कहाँ से रहेगी? इसलिए रक्त शुद्धता के वास्ते हमें स्त्री पुरुष दोनों ओर से पूरा ध्यान रखना होगा। यही नहीं, हमें आर्य जनपद में दास प्रथा नहीं स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि रक्त की शुद्धता को नष्ट करने के लिए इससे खतरनाक कोई चीज नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आर्य जनपद में अनार्यों का वास न होने पाए।
सबसे बड़ा खतरा और सारी बुराइयों की जड़ है असुरों की राज्य प्रथा, जिसका ही एक अंग है उनकी पुरोहित प्रथा। असुर जन को कोई अधिकार नहीं, असुर राजा जो कहे उसी पर चलना, हर एक असुर अपना धर्म समझता है, असुर पुरोहित सिखलवाता है जनता को, सभी बातों का जिम्मा ऊपर देवताओं और नीचे राजा ने ले रखा है। जन को कुछ करने कहने करने का अधिकार नहीं, राजा सोम धरती पर देवता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब सुना कि सीवी सुवीरों ने इंद्र के पद को खत्म कर दिया। यद्यपि इंद्र को आर्यों में वह स्थान कभी नहीं मिला जो कि असुर राजा को प्राप्त था। इंद्र जन द्वारा चुना एक बड़ा योद्धा मात्र था, वह जन पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं रखता था, तो भी इस पद से खतरा था और कुछ लोगों ने उसकी आड़ में आर्यों में राज प्रथा कायम करने का प्रयत्न किया भी। आर्य यदि अपने आर्यतव को कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें किसी आदमी को राजा जैसा अधिकार नहीं देना चाहिए। आर्यों में असुरों के धर्म के प्रति भारी घृणा है, इसमें शक नहीं, किंतु जिस दिन आर्यों में राजा बनेगा उसी दिन असुरों जैसे पुरोहित भी आ जाएंगे, फिर आर्यतव को डुबा हुआ समझो। जन के परिश्रम पर राजा मौज करेगा और देवता की सहायता दिलाने के लिए वह पुरोहित को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लेगा। इस प्रकार राजा और पुरोहित मिल जन को अपना दास बनाकर छोड़ेंगे। हमें आर्यों की पुरानी प्रथाओं को बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़े रहना होगा। जहाँ भी कोई आर्य जन उससे डिगे उसे आर्यों की जनता से खारिज कर देना होगा। अंक 3। सोबीर के दक्षिण भाग कराची के आसपास से उधर कितनी ही चिंताजनक खबरें भ्रूण को मिल रही थी, जिनसे मालूम होता था कि अंतम असुर दुरुक के पराजय के साथ आर्यों के भीतर भारी कलह उठ खड़ी होना चाहती है। वरुण ने अपने गुरु के साथ सोबेर की समस्या पर कई बार हर पहलू से विचार किया था। ऋषि अंगीरा का कहना था कि चाहे यह कलह पहले सोबेर में पैदा हुई हो, किंतु इसके भीतर से सारे आर्यजनों को गुजरना पड़ेगा। आर्य सदा से व्यक्ति के ऊपर जन के शासन को मानते आए हैं। उधर असुरों की निरकुश राजसत्ता को देखकर कितने ही आर्य नेताओं को अधिकार और भोग का प्रलोभन हो सकता है। इन दोनों मनोवृत्तियों का संघर्ष जरूर होकर रहेगा और जिस जनपद में असुरों की संख्या जितनी ही अधिक होगी वहां इस संघर्ष की और ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वहां पराजित असुर आर्यों की भीतरी फूट से फायदा उठाना चाहेंगे। 8 वर्ष रहने के बाद सोबीरपुर रोरुक रोड़ी की खबरों को और चिंताजनक सुन वरुण को गंधारपुर छोड़ना पड़ा। आपसत के प्रथम साथी पाल मादर ने उसका साथ दिया। गंधार की सीमा पार कर वे नमक की पहाड़ियों वाले सिंधु जनपद में प्रविष्ट हुए। नमकी खानों में काम करने वाले अब भी असुर व्यापारी और श्रमिक ज़्यादा थे, जिसका असर पीत केशु आर्यों पर भी बुरा पड़ा था। उनमें ज़्यादा आलस्य था, वह अपने काम को अनार्य कर्मकारों से कराना ज़्यादा पसंद करते थे और समझते थे कि हमारा काम घोड़ों पर चढ़ना और तलवार चलाना है। अनार्यों के सामने असुर राजाओं जैसी हेकड़ी दिखाने वाले आर्य राजसत्ता अंकुरित करने के लिए अच्छे अक्षेत्र थे, लेकिन नमकी पहाड़ियों को पार करने पर सोबीरों का प्रथम स्थान मूल स्थान मुल्तान जब आया तो अवस्था कुछ अच्छी पाई। यहाँ के निवासी सारे यारे थे और उनके लिए यह तारीफ की बात थी कि यहाँ की भीषण गर्मी वरुण और पाल गर्मी की ऋतु ही में यात्रा कर रहे थे। यद्यपि सिंधु में नाव से चलने के कारण मार्ग का कष्ट कम था को बर्दाश्त कर भी जनपद को आर्य बनाए हुए थे। सोबीरपुर रोरुक रोड़ी में गर्मी का क्या पूछना था, उन्हें वह गर्मी ज़्यादा परेशान कर रही थी। आर्यों में अभी लिखने का संकेत लिपि प्रचलित नहीं हुई थी, इसलिए जब तब सोबीर के सारथों द्वारा वरुण ने अपने मित्रों को जो संदेश भेजा था वह पूरा नहीं पहुंच सकता था। इस वक्त कितनी बार उसे असुरों की लिपि का ख्याल आया था। सोबीरपुर में पहुंचने पर उसे मालूम हो गया कि मामला बहुत दूर तक बढ़ चुका है। स्वयं सोबीरपुर में सुमित्र के समर्थक बहुत कम थे, किंतु दक्षिणी सोबीर में अंतिम असुर दुर्गध्वंसक सुमित्र का पक्ष लेने वाले आर्य ज्यादा थे। इस अंतिम दुर्ग के पतन के समय सेनापति सुमित्र ने असुर नागरिकों पर आवश्यकता से अधिक दया दिखलाई थी। उस वक्त वरुण इसके लिए सुमित्र का भारी प्रशंसक बन गया था, किंतु अब उसे मालूम हो रहा था कि यह सब सुमित्र की चाल थी। वह समझता था इस पराजय के बाद असुर फिर आर्यों के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकेंगे और इस दया प्रदर्शन के से सागर पर पार के सार्थक बा असुरों की संपत्ति और शक्ति का उपयोग हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सकेंगे। सुमित्र अभी सेना के लिए
हुए सागर तीर के असुरपुर में बैठा था और बनावटी युद्धों के बहाने वहां से लौटने का नाम नहीं लेता था। वरुण पहले जन के साधारण नायकों से मिला, उनको सुमित्र की सारी बातें स्पष्ट मालूम नहीं थी। वह समझते थे व्यक्तिगत द्वेष के कारण कुछ जन नायक सुमित्र का विरोध कर रहे हैं। फिर जब वह उन प्रधान नायकों से मिला जिन पर जन के शासन का भार था, तो उन्होंने सारी बातें बतलाई, किंतु साथ ही यह भी कहा कि सुमित्र की बुरी नीयत हमारे लिए बिल्कुल साफ होने पर भी जन के साधारण लोगों के लिए साफ नहीं है, क्योंकि इसे वह दूसरे ही अर्थ में लेते हैं। असुरपुर की विजय में वरुण सुमित्र का उपनायक था, इसलिए यद्यपि उस बात को बीते 9 साल हो गए थे, तो भी लोगों में उनके खड़ग की प्रशंसा बंद नहीं हुई थी। वरुण ने जन को समझने से पहले चाहा कि सुमित्र के बारे में खुद जाकर पता लगाए। इसी अभिप्राय से एक दिन दोनों मित्र दक्षिण सोवीर के लिए नौका पर सवार हुए। उन्होंने गंधार व्यापारियों जैसा बाना बनाया। असुरपुर के देखने से मालूम होता था वह सचमुची आर्यों का नहीं असुरों का पुर है। उनकी पन्ने बीथियों में बड़े बड़े असुर सागर बणिकों के महल और देश विदेश की पन्ने वस्तुएँ थीं। कितने असुर सामंत परिवार भी अपने मोहल्ले में बसे हुए थे और उनके आसपास दास दासी भी पहले की तरह हाथ बांधे खड़े रहते थे। उनके मन में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर विजय आर्य यहाँ पर कहाँ रहते हैं। सुमित्र असुर राज के महल में रहता था। एक दिन उसने गंधार बणिक की ओर से भेंट लेकर पाल मादर को उसके पास भेजा। पाल ने लौटकर बतलाया कि पीले केसों और गोरमुख को छोड़ देने पर सुमित्र बिल्कुल असुर राजा बन गया है। उसका निवास किसी आर्य सेनापति का सीधा साधा घर नहीं, सोने चांदी से चमकता असुर दरबार है। उसके पाश्चर्यचर सैनिकों में भी यह सादगी नहीं है। सप्ताह बीतते बीतते मालूम हो गया कि वहाँ आर्यों का पता लगता है। असुर कन्याओं के नृत्यों तथा सुरा गोष्ठियों में कितनी ही आर्य स्त्रियाँ अपने पतियों के पास जाना चाहती हैं, किंतु बहाना करके उन्हें आने से मना कर दिया जाता है। सुमित्र ने बहुत बार संदेश भेजने पर भी अपनी स्त्री को आने से रोक दिया। वह सोम असुर पुरोहित की कन्या के प्रेम में फंसा हुआ था और वही नहीं नगर की कितनी असुर सुंदरियां उसकी अंत पुरचारिणी थी। अपने आर्य सैनिकों के लिए भी उसने वैसी छूट दे रखी थी। दूसरे आर्य जब आने लगते तो दासों से दंगा करवा देता, जिससे कुछ खून खराबी होती, आर्य आने से रुक जाते। वरुण ने सारी बातों का पूरा पता लगाने के लिए अपने मित्र के साथ चुपचाप सोबीरपुर के लिए प्रस्थान किया। सोबीरपुर में उसने जन नायकों को बतलाया कि सुमित्र अपनी शक्ति को इतना दृढ़ कर चुका है कि अब हमें असुरपुर के आर्य भट्टों की नहीं असुरों की शक्ति से भी मुकाबला करना होगा। इसके लिए तैयारी करके हमें असली बात लोगों को बतलानी होगी। वरुण नृत्य अखाड़े का दुलारा था और वर्षों से पतियों का सुख न देख पाने वाली आर्य स्त्रियाँ जब इस सुंदर नर्तक के मुँह से एकांत में अपने पतियों की करतूतों को सुनती तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता। फिर एक कान से दूसरे कान में चलकर बात बड़े वेग से फैलने लगती। वरुण कवि भी था। उसने पति वियोगिनी आर्य महिलाओं की ओर से असुर कन्याओं को अभिशाप तथा सुमित्र के विलासपूर्ण स्वार्थ में जीवन के कितने सुंदर गीत बनाए जो दावानल की भांति सारे सोबीर के आर्य ग्रामों में गाए जाने लगे। आखिर में उसने आर्य पत्नियों को थोड़ा थोड़ा करके उनके पतियों के पास भेजा, जिन्हें तिरस्कार कर लौटने का परिणाम और भी बुरा साबित हुआ। सुमित्र को लौटने के लिए कहने पर भी जब वह आने के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके स्थान पर वरुण को सेनानायक नियुक्त कर भारी आर्य सेना के साथ असुरपुर के लिए रवाना किया। वरुण को सामने आया समझ सुमित्र के सैनिकों में फूट पड़ गई और कितनों ने अपने अनार्य व्यवहार के लिए सचमुच पश्चाताप किया। बाकी बची हुई सेना की मदद से लड़ने में सुमित्र को सफलता की आशा नहीं थी, इसलिए अंत में उसने वरुण को नगर समर्पित कर सोबीरपुर लौटने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार आर्यजन पहली भीषण परीक्षा में सफल हुआ। वरुण ने असुरों को नहीं छेड़ा क्योंकि अब वह अस्त्र से नहीं लड़ रहे थे। हाँ, आर्यों को असुरों के प्रभाव से अलग रखने के लिए उसने एक अलग आर्यपुर बसाया और ऋषि अंगिरा की बतलाई कितनी ही बातों को काम में लाना शुरू किया। आज से 125 पीढ़ी पहले की आर्य कहानी।